आज हमारा अलाउ आ चुका है फाइनली। मतलब भाई बहुत दिन हो गए, कम से कम 10-15 दिन हो गया भाई ऑर्डर दिए हुए, और अलॉय जो हमारा आया है वो वी कट वाला, डायमंड कट वाला। आपने टाइटल थंबनेल तो देख लिया होगा, तो भाई चलो सीधा वहाँ पे चल के फिटिंग कराते हैं। आज कोई मोटो व्लॉग नहीं होने वाला है, सीधा वहाँ पे चलते हैं फिटिंग कराते हैं और आपको बताते हैं प्रोसेस क्या है। और थंडरबर्ड एक्स में ना लगाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है अलॉय, तो उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। ये अपना टायर खुल चुका है, ये है पुराना वाला और ये है नया वाला अलॉय। ये पीछे वाला है और वो आगे वाला है। आगे वाला भी खोल दिया है टायर, इसमें फिटिंग होगी डिस्क की, फिर ये जाएगा टायर लगने। और मैं आपको टायर भी दिखाता हूँ, टायर कौन सा लगवा रहा हूँ। देखो ये है हमारा टायर 120/80/18। बस पीछे वाला अभी चेंज करा रहा हूँ क्योंकि आगे वाला जो है वो अभी ठीक है, ट्यूबलेस टायर है और 2023 वाला है। ये जून में मैन्युफैक्चर हुआ था, मैं आपको दिखा रहा हूँ एक मिनट। तो ये देखो लिखा है ना 6/23, इसका मतलब है कि 6 जून 2023 को मैन्युफैक्चर हुआ था। और ये है MRF का आपका टायर, ये यहाँ पे देख लो भाई नाम लिखा हुआ है मोगरिप मिटी और MRF का। भाई इसकी जो ग्रिप है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और टायर एकदम नया कंडीशन में है। भाई इसको लगवाते हैं फिर दिखाते हैं। तो भाई अब अपना फाइनली लगने जा रहा है टायर, अभी हवा भरने वाला लग रहा है। भाई ये लग गया, तो भाई बात बाकी ये सारा काम हो रहा है अंडर द हुड से। यहाँ पे टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया, 4 बजने को आ रहा है भाई। बात बाकी जो अलॉय है ना ये साई प्राडो कंपनी का, एक और इसी में का आता है रॉयल प्राडो का, ये रॉयल प्राडो का नहीं है साई प्राडो का है। और इसकी जो कॉस्टिंग की बात करूँ तो मैं भाई ये 8,000 रुपये का है विथ फिटिंग, तो नहीं फिटिंग का अलग से चार्जेस है। और भी मैं अपने बुलेट में कुछ कुछ काम कर रहा हूँ, जैसे बार एंड डिस्प्ले लगवाने, मिरर्स नहीं बार एंड, और इसका जो आगे वाला क्रैश गार्ड होता है रॉड वाला वो मेरे से टूट गया था, वो भी चेंज करवाना है, वो बदलेगा, टायर बदलवा रहा है। टायर भाई तुम देखो क्या ही मस्त टायर है, बहुत ज़्यादा चलेगा, ऑफ रोडिंग टायर है, बहुत लंबा चलेगा ये। जैसे मैंने आपको बताया सारा काम हो रहा है अंडर द हुड से, टाइम थोड़ा सा लग रहा है लेकिन काम भाई बढ़िया होगा, इस चीज़ की मैं गारंटी दे रहा हूँ। जिसको करवाना है वो आके करा ले। बनारस में है ये रोहनिया रोड पे, ये यहाँ पे ऑयल लगते हुए आगे वाला जो भाई नट है ना डिस्क वाला वो खुल नहीं रहा है। देखो सब खुल के, एक तो खुल ही नहीं रहा है इतने टाइम से। एक्चुअली आगे वाला जो टायर वो कभी चेंज हुआ नहीं, पीछे वाला ये दूसरा चेंज हो रहा है और गाड़ी चल चुकी है मेरी 32,000। आगे वाला कभी चेंज हुआ नहीं तो बहुत ज़्यादा जाम हो गया, उसमें WD-40 डाल के छोड़ा गया है अभी ताकि वो खुल जाए। और ये अपना पुराना अलॉय, ये अपना नया अलॉय, ये अपनी बुल्ली। तो भाई जल्दी से कमेंट करके बता दो अलॉय कैसा लग रहा है। भाई ऐसे हल्ला होने लगा, भाई ऐसे जो लोग अलॉय लगाते हैं ना अपने बुलेट्स पे और थंडरबर्ड पे, वो तो या तो ये वाला लगवाते हैं मर्सिडीज वाला, और फिर एक आता है तो पूरा लाइन लाइन वाला रहता है वो लगवाते हैं लोग। तो भाई वो वाला हम लोग को पसंद नहीं आया, हम लोग को थोड़ा सा ये वाला अलग सा लगा, वी कट इसको बोल रहे, डायमंड वी कट ये वाला लग रहा है। और वो जैसे मैंने बताया एक तो फंस चुका है, वो खुल नहीं रहा। देखो भैया पैर लगा देगा, भैया ब्रेक व्रेक तो नहीं मुड़ेगा ना मेरा। खुल गया भाई, खुल गया, हल्का सा दूर हुआ अभी, बहुत देरी से इसको खोलने का कोशिश हो रहा था भाई। तो भाई ये अपना पुराना वाला अलॉय व्हील निकल गया, आगे वाला भी
और अब लगने जा रहा है आगे वाला नया वाला। भाई क्या मस्त लग रहा है लोई। आगे वाला टायर नहीं चेंज करा रहा, आगे वाला वही पुराना वाला, क्योंकि इसकी लाइफ अभी अच्छी खासी बची, 5-10 हज़ार 20 हज़ार तो आराम से चल जाएगा ये टीवीएस का। भाई हमें एक मस्त चीज दिखी है, वो है ये मार्केट में नई इलेक्ट्रिक बाइक आई है ईवी, अगर डुअल डिस्क है भाई, तरक्की कर रही है भाई ईवी सेक्टर बहुत ज़्यादा। और जो भाई ये पुराना वाला नया है ना, अगर किसी को चाहिए तो भाई मैसेज कर देना, वैसे मैं सोच रहा हूँ उसको बेच दूँ, और प्राइस के लिए भाई तुम मेरे को डीएम कर सकते हो। अब भाई इसमें ये अलॉय लग गया, लेग गार्ड लगना बाकी है, बार इंड लगना बाकी है, बाद बाकी वॉशिंग बाकी है। टाइम हो रहा है 4:14, ये सब कराएंगे फिर निकलेंगे। सो गाइस हमारे बुल्ली में ना अलॉयज लग चुके हैं, आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा टाइम लग गया अलॉय लगने में, एक दिक्कत आ गया था, पहले आपको अलॉय दिखाता हूँ फिर बाद में बात करता हूँ क्या हुआ था। तो भाई ये है देखो कुछ अलॉय, ये आगे यहाँ पे लिखा हुआ है ये साई प्राडो। तो भाई देखो कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, और पीछे वाला भी देखो कितना ही बढ़िया लग रहा है भाई। और जो टायर है भाई, टायर की तो मैं तारीफ ही क्या करूँ भाई, एकदम मतलब एंड है भाई, ये जो टायर है ये एंड है एकदम। तो भाई अपने अलॉयस देख लिए, अलॉयस तो काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं, और बाद बाकी भाई जो ये है मैंने ये भी लगवाया है, ये रॉड वाला क्रैश गार्ड, क्योंकि भाई ये ना ज़्यादा सही पड़ता है, 1000-1500 रुपये का आता है, और भाई अच्छे खासे प्रोटेक्ट करते हैं। इसके पहले भी मैंने यही लगाया था, एक छोटा सा क्रैश हुआ था उसमें, हल्का सा मुड़ गया था, और मेरा ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ, और मेरे को इसने अच्छा खासा प्रोटेक्ट भी कर लिया। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज है, जो कि है यहाँ पे आप यहाँ पे लगाओगे ना तो यहाँ पे आपके मड गार्ड पर हल्का हल्का सा ये लड़ता है। देखो यहाँ पे भी गंदी है बाइक, तो उसके लिए सॉरी, ये देखो यहाँ पे हल्का हल्का लड़ता है। बाद बाकी टायर चेंज हो गए, और अगर भाई मैं इसकी सम की बात करूँ कितने का पड़ा, तो सेल में मैंने ये लिया था मेरे को 900 रुपये का पड़ा था क्रैश गार्ड, और बाद बाकी जो अलॉयज हैं अलॉयज मेरे को पड़े थे 8,000 रुपये के, और टायर जो है वो मेरे को पड़ा था 2800-2900 के आसपास का, इतना मेरे को याद नहीं। ये भी सेल में मैंने लिया था टायर, अंडर द हुड से बनारस में जो है वहाँ से आप जाके भाई ले सकते हो, जो ईयर एंड सेल चलता है ना उसमें मेरे मैंने ये सब ये सारे सामान लिए थे, तो मेरे को अच्छा खासा डिस्काउंट में मिल गया। और बाद बाकी अलॉय लगाने में जो दिक्कत हुआ है ना वो है यहाँ पे, अलॉय जो है ना भाई इसका जो हब है ना, जिसको ये जो चीज़ है ना ये इसका बड़ा है, और जो इसका स्टॉक वाला आता है ना जिसमें लगा हुआ, मतलब जो चेन सेट के उस तरफ जो पीछे हब रहता है, मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर चल रहा होगा ये चीज़, तो भाई ये जो चीज़ है ना ये और जो इस मेरी जो बाइक है उसकी थोड़ी सी, और जो अलॉयस के साथ आए थे ना उसका जो मुंह है वो छोटा था, तो मेरे को इसका हब ही चेंज करना पड़ा। तुम यहाँ पे देख पा रहे हो सिल्वर कलर का दिख रहा है, तो ये पूरा चेंज हुआ है। ये रॉयल इनफील्ड के आप ओरिजिनल सर्विस सेंटर से जाके ले सकते हो, तभी आप थंडरबर्ड एक्स में अलॉय चेंज कर सकते हो। तो ये पहली मेरे ख्याल से थंडरबर्ड एक्स होगी जिसमें अलॉय चेंज हुआ है, ऐसे ऑनलाइन तो मैंने आज तक कहीं नहीं देखा, यूट्यूब पे भी काफ़ी सर्च कर लिया मेरे को नहीं दिखा ऐसे थंडरबर्ड में अलॉयज किसी ने फिट किया हो, लेकिन भाई ये मेरी पहली बुली है जिसमें अलॉयज लगा है, और हब चेंज करने के बाद लगाए तो जो हब का जो कॉस्ट आया ना वो 750 रुपये का था, वो ओरिजिनल सर्विस सेंटर से जाके लिया, वो क्लासिक का हब था। तो भाई इतना मेहनत करने के बाद ये पीछे वाला अलॉय अलॉय सब लगा है। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और भाई जाते जाते एक बार आपको बुल्ली की वापस से आवाज़ सुना देते हैं, बहुत दिन हो गया। ओ भाई जो रोर करती है ना ये, ऑप्शन बैंक्स आर बैक गाइस। अगर तुमको फिर से इस पे ब्लॉग्स देखने हैं तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसमें भाई आगे भी ये मॉडिफिकेशन कराई है भैया ने, कराई है आगे ग्रिल लगवाई है आगे भी, और पीछे भी थंडरबर्ड में तो लगती नहीं, ये सारे जुगाड़ से लगी है भाई, तुम देख पा रहे होगे।